Good morning, students. My instructor Gopal Kumar, Sasi Private ITI College, Kathiyar. आज मैं क्लास लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का, जिसमें कि मेरा टॉपिक है प्रेरण मोटर. प्रेरण मोटर को इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं. तो प्रेरण मोटर होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ. प्रेरण मोटर के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर. प्रेरण मोटर जो होते हैं जनरली सभी जगह पर यूज किए जाते हैं, किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे कि फैन, मोटर, वाटर पंप इत्यादि बहुत से प्रकार के जो होते हैं, उसमें ज्यादातर प्रेरण मोटर का ही उपयोग होते हैं. और इसमें होता क्या है कि स्टेटर जो होते हैं ना, ये स्थिर होते हैं, इसलिए इसका नाम स्टेटर है. और रोटर जो होते हैं ये रोटेट यानी कि घूमते हैं, इसलिए इसका नाम रोटर होता है. ये स्टेटर जो होता है ये हाई स्टील का बना होता है, जो कि हाई पावर का होता है, कि इसमें हीटिंग टेम्परेचर को सहने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है. और ये रोटर जो होते हैं इसके अंदर वाइंडिंग किया जाता है, मोटर को चलाने के लिए वाइंडिंग किया जाता है रोटर के अंदर. ये रोटेटिंग पार्ट जो होते हैं ये रोटेट करते हैं, ये स्टेटरिंग पार्ट जो होते हैं ये स्थिर रहते हैं, इसलिए दोनों को मिला के ही प्रेरण मोटर का निर्माण होता है. प्रेरण मोटर में जो पार्ट्स होते हैं रोटर और स्टेटर. रोटर क्या होता है कि जैसे कि हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, ये कंडक्शन हुआ प्रेरण मोटर का, ये पूरी बनावट हुई संरचना. इसमें क्या होता है कि एसी सप्लाई जैसे हम देते हैं, ये कनेक्शन सीधे मोटर में जाता है, मोटर के वाइंडिंग में, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें इंड्यूस होता है, तो ये मोटर के अंदर जो लगे होते हैं रोटेट, वो रोटेटर वो रोटेट करने लगते हैं, मतलब कि घूमने लगते हैं. ये रोटेट करने के जो मोटर का मेन काम होता है वो रोटेटिंग करना ही मेन काम होता है. और ये जो इसमें कनेक्शन देते हैं हम स्टेटर, जिसको हम स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर एक प्रकार से मोटर का सेफ हुआ, जिसमें कि रोटेटिंग पार्ट को एडजस्ट किया जाता है, सुरक्षित रूप से लगाया जाता है, उसी को हम स्टेटर कहते हैं, जो कि हाई स्टील का बना होता है. तो यहाँ पे बता दे रहे हैं जैसे कि रोटर, रोटर के अंदर वाइंडिंग किया जाता है कॉपर वायर का, जो कि हाई मतलब कि उच्च कोटि के मोटर होते हैं ना, उसमें कॉपर वायर के वाइंडिंग होते हैं. और निम्न कोटि के जो मोटर होते हैं उसमें एल्युमिनियम वगैरह सब का मतलब कि वाइंडिंग किए होते हैं. तो मोटर का मेन रूप जो काम होता है, इसके इस प्रकार के प्रेरण मोटर का जनरली सभी चीज का उपयोग किया जाता है. और ये मतलब कि छोटे से बड़े उपकरणों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आज के डेट में मोटर बाइक आ रहा है, मोटर बाइक में भी इसका यूज हो रहा है, और जैसे कि ई रिक्शा वगैरह सभी में प्रेरण मोटर का ही यूज करते हैं.